हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हिंदी में भी बोलूंगा, घबराइए मत। मैं हूँ और ये है आज हम कहाँ चलेंगे? आज हम वैसे किसी से बात करेंगे, कहीं पर्टिकुलरली जो हमें सीखेगा थोड़ा फ्री है और जो रेडी है बात करने के लिए उनके पास जाएंगे, थोड़ा सड़कों पे घूमेंगे, देखेंगे। तो वैसे ही आज किसी से आपकी किसी के जज्बात आप तक पहुंचाएंगे और जरूर आप उनको सुनिएगा और जहां तक हो सके आप आगे तक शेयर करें जरूर उसे। मुझे प्रॉब्लम समझो और मदद करने की कोशिश करना जी। बस तो आज जो है हम पूजा जी के साथ में, नमस्ते पूजा जी, हम इन्हीं की चेयर पर बैठे हुए हैं। देखिए छोटी छोटी प्यारी स्माइली से चेयर भेजते हैं, तो यहाँ पे इनको मैं काफी बार देखता हूँ आते जाते रास्ते में, तो हमने सोचा मैं और आशा क्यों ना इसके ऊपर एक इनसे आज आंटी जी से बात करें और इनकी जो भी परेशानियां हैं या फिर जो भी कहना चाहती हैं आप लोगों के सामने लेकर आए। तो पूजा जी आपसे ही शुरुआत करेंगे कि आप चेयर भेजते हैं या फिर और भी कुछ करते हैं? चेयर भी बना देते हैं, मूर्ति भी बेचते हैं, कभी कपार वगैरह ना उसके बच्चे नाम वो भी बेचते हैं। वैसे जो मूर्तियाँ बेचते हैं वो मतलब मिट्टी की बेचते हैं या फिर प्लास्टिक? मिट्टी की बनाते हैं, टोपी की भी बनाते हैं और फर्मेटाई से भी बनाते हैं। तो कुछ नहीं, तो आप वहाँ पे मतलब ये फेस्टिवल टाइम में बेचते हो जैसे? हाँ, इनके सीजन आते हैं जब बेच पाते हैं, उस टाइम नहीं बेचते, उस टाइम फिर बच्चों के लिए करना पड़ता है। सरस्वती जी की अभी क्यों बनेगी, मतलब कोई फेस्टिवल? हाँ, इनकी ये पूजा करते हैं, सारा चंदा करके पूजा करते हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी मूर्ति सारी लेके जाते हैं। अच्छा, उनकी आराधना होती है सारी, तो ये तारीख के हिसाब से होती है, महीने में आती है। जी जी, ये बिजी रोड एक बार मैं चाहूंगा आशा जी एक बार इनके बिजी रोड दिखाइए जहाँ पर ये रहती है, रोड देखिए कितनी बिजी है। तो इस हाईवे पर कोई रुकता है आपसे? रुक जाता है, दो चार पाँच बिक जाते हैं। चार पाँच बिक जाती हैं? हाँ, बिक जाती है, कभी कभी ज्यादा शनिवार है। अच्छी बात है, खैर की दूसरा दिन होता है कम ज्यादा, दो चार दो चार जी 250 रुपए बच जाते हैं, तो बच्चे के लिए काम आ जाता है, किराया भी हो जाता है, 150 रुपए तो किराया दे देते हैं, कभी कभी नहीं बिकती है तो यहाँ पे भी जाना पड़ता है। यहाँ पे किराया लग जाता है आपको? आने जाने का लगता है, आने जाने का। तो वो ई रिक्शा में लेके जाते हैं? हाँ, बैटरी में लेके जाते हैं। 80 रुपए जाने के लेते हैं तो 70 रुपए आने के। तो आप कहाँ से कहाँ तक आते जाते हैं? यहाँ से आपको चूड़ी मूर्ति वाले नहीं बनाते, पहलवान ढाबा के पास मूर्ति बना, पासपोर्ट ऑफिस है नहीं? जी जी, वहाँ पे, वहाँ से यहाँ आने के शाम को ले जाएगा 6 बजे, सुबह 8 बजे से आ जाएगा। अच्छा, तो आपको क्या नाम है? ममता क्या है आपका? रेशमा। तो आप पढ़ते हो? मैम आती है घर पे, स्कूल नहीं जाते? आज तक गए नहीं हो स्कूल? नहीं गए आज तक, कभी नहीं गए, या फिर लॉकडाउन की वजह से? नहीं, आज से स्कूल नहीं गए, मैं माते ने पहले पढ़ाया वैसे घर पे, वैसे 10-15 अक्षर नहीं चल सकते बच्चे। तो आपने कभी भेजने की मतलब इच्छा नहीं जताई? भेजने के स्कूल में गया तो अंदर प्रेशर पत्र लाओ, आधार कार्ड लाओ, ये बच्चों का है नहीं, आधार कार्ड नहीं है। तो आप आधार कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहे हो? वो कह रहे हैं मैम से लिखवा के लाओ, आधार कार्ड भी तभी बनेगा, तभी बनेगा, बच्चे सभी बनेगा, उनकी वो नहीं है जन्म पत्र, जन्म पत्र इस लड़की के, इस लड़की के इतने 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 बहुत सारे लड़के, कभी 10 लड़कियाँ है, 4-5 लड़के घर में, भैया के 4 भाई है, 2 बहने हैं, उनके बच्चे हैं वहाँ पर, यहाँ पर चुंगी पे सारे ही रहते साथ में, सभी छोटे बड़े छोटे दिन बड़े। तो वो उनके आधार कार्ड बने हुए हैं? उनके आधार कार्ड किसी के भी नहीं, बड़े बड़े के बने हैं, उनकी वजह से नहीं बने, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो वाले के लिए, किसी मास्टर से लिखवा के लाओ तभी बने। तो मास्टर ने लिखा नहीं? लिखा। कौन से मास्टर्स की बात कर रहे हैं मतलब? वो वहाँ पे सरकारी स्कूल में, ये काटा नहीं है, कांटे बाग वाली कॉलोनी में, ये काटा नहीं? हाँ, मैंने देखा। हाँ, स्कूल वहाँ गए थे, वहाँ उन्हें मना कर दिया। क्या कह रहे थे वो? कि वो मना कर दिया कि नहीं कहते थे। क्यों नहीं थे मतलब? ये नहीं लिखेगा कि बच्चे नहीं अंदर नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं लिखेगा तुम्हारे पास वो नहीं है तो ये नहीं है, ऐसे ऐसे कहने पड़े, इतने दिन क्या कर रहे थे, तुम सो रहे थे, इतने दिन ऐसे कर रहे थे, ऐसे सवाल जवाब,
तो इसके दिन पता नहीं है, पहले जमाने में नहीं पढ़ा तो पढ़ाया जा रहा है, जब ये नहीं पढ़ सकते तो ये तो जा सकते, इसे छोटी छोटी और भी है, इसे थोड़ी और भी है, ये तो उम्र है इनके स्कूल में जा सकते हैं, दो क्लासरूम में पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, और भाई सरकारी स्कूल इसलिए तो बने होते कि भाई आपके बच्चे जा सकते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं हम, उनके जवाब स्वभाव नहीं, कैसे ना उनसे बहस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। चलो हम कोशिश करेंगे आपका आधार कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है आधार कार्ड बन जाएगा। तो ये बच्चे जैसे ऐसा इसको भी पता भी नहीं है बेचारी को आधार कार्ड का, काम सीधे होते हैं। और लॉकडाउन में आपको क्या क्या बहुत ज्यादा दिक्कत है, मैं तो भीख मांगने पड़ी गलियों में, भीख मांग के बच्चों को खिलाना पड़ा, राशन आया था दो दिन बाद, आटा आया था और नमक आया था, एक दो बार वही आया था, दूध नहीं होता था, कभी कभी चीनी नहीं है, कभी पत्ती नहीं है, कभी सब्जी नहीं है, तो फिर हम मांगने आए थे वहाँ गाजियाबाद में भी सब्जी चुगने गए थे, बहुत सी मजबूरी देखी है। तो आपका राशन कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड भी नहीं। तो आप राशन कार्ड तो आपका बन जाना चाहिए ना? नहीं बना, जब भी हम जमा करवाने गए थे जब भी हमारा होता ही नहीं है जमा, और कहते हैं कैंसिल हो गया, जब पैसे भी भर देते हैं अंदर, दूसरा भी लगवा देते हैं, बच्चों के नाम वाम सर, वो कहते कैंसिल हो गया, नहीं होगा, छह सात बार करवा, कोई सुनवाई नहीं। और अभी थोड़ा थोड़ा सही हो रही है, लॉकडाउन लॉकडाउन में सही है, पर घर का खर्चा तो हो रहा है, देखो भूखे तो मर ही गए, दाल होती चली गई। सरकार की तरफ से आपको लगा लॉकडाउन में सरकार की तरफ से हमारे तो कोई ऐप नहीं है, मतलब कुछ रस्तों पर दूध मंगवा दी, कुछ पापड़ में सब्जी मंगवा ली, गलियों में वैसे बेचारों की तरह भीख मंगवा दी, हमारे घर मूर्ति बनाते हैं, आराम से ज्यादा नहीं खा सकते, दाल रोटी तो खा सकते हैं, चावल तो बना के खा सकते हैं, एक टाइम की चाय तो बच्चों को पिला सकते हैं, वो भी हमारे लिए दिक्कत होगी, घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे, ज्यादा पैसे खा जाए तो उनको ज्यादा सरकार होती, ज्यादा मोटी तो उनको ज्यादा परवाह नहीं होती, जो गरीब होते वो तो मरते हैं, जो बच्चे रोते हैं, बुखार हो जाए, जुकाम हो जावे, तो डॉक्टर तो पैसे ही मांगेगी, गरीब लोग के पास नहीं होगी तो कहाँ ले जाए, और सरकारी में लेके जा रहे तो वो तो कहे ले जाओ ना ले जाओ, कभी कोरोना ना हो जाए घर ले जाओ। तो कोरोना तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को नहीं हुआ, कोरोना बहुत सी मुसीबतें देखी लॉकडाउन में, ऐसी जिंदगी में हमने कभी नहीं देखी, इतनी मुश्किल, यहाँ दुकानें लगाने आए पुलिस वालों ने, डंडे मारे पुलिस वालों ने, डंडे सामान सारा उठा उठा के रिश्ते में नहीं लाया, पैदल उठा उठा के दुकान लगाया कि जब भी कुछ बच जाए कि बच्चे तो भी नहीं लगा दे, पुलिस की एफ सी आई जब भी मारा, लेडीज पुलिस बुलवा दी हमें पकड़ के लेके थाने में, लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन के बाद जब लोग थोड़ा लगाने पड़ गए थे, फिर हमें भी लगाने की दिक्कत हो गई, फिर माल पड़ा था उन्होंने सभी माल भी ऐस कर दिया, हमें भी सारा पकड़ पकड़ के लेके थाने में बिठा दिया, पकड़ के ले जाओ हमें सजा ही दे रहे, तो हमें बाहर खाना नहीं मिला, अंदर तो खा लेंगे, और बच्चे ऐसे साथ ही साथ में आए थे, फिर उन्होंने दोबारा छोड़ा के 10 दिन बाद सारा सामान दिया, वो कहने लगे घर के अंदर लगाओ, अगर झुग्गी में हम दुकान लगा के तो ये तो गलत बात है, ये कोई गलत काम करते थे कभी झुग्गी में घुसेंगे, जब भी पार मार्केट हो जाती नहीं है तो झुग्गी में कौन लेगा, जैसे हम घर में इनमें तो होते भाई ऑफिसों में लग जाते पढ़े लिखे होते तो कोई भी सामान लेने से अंदर आ जाएगा, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, जैसे रोड पे दिखेगा तो जब ये आए कि नहीं तो नहीं आ पाएंगे, तो बहुत मुसीबत है, अब तो नहीं कह रहे पुलिस वाले, तो अभी मोदी ने कहा जो गरीब लोग वहाँ पड़े उन्हें पड़े रहे तो वहाँ लगा रहे उन्हें लगा रहे, इसी वजह से पुलिस नहीं कह रही, तो इतनी भाई मोदी को भाई कही है, लेकिन बात कही हमारे लिए बहुत इतनी भी कि हम अपनी मेहनत से खा लेंगे, हम किसी से भीख ना मांगे, हमें 10 धक्के खाने पड़ते जब डांट डांट के निकाले मांगने की तरफ, भाई कोई आटा होते दे दो, कोई तेल होते दे दो, 10-20 रुपए दे दो, हम दूध के लिए बच्चों के लिए चाय बने, जो भी हमें कोई किसी ने नहीं दी, मजबूरी की भी सीमा है, इससे तो अच्छा होता है इंसान मर जाए तो अच्छा है, उसके ऐसे नहीं जाते, जब बच्चे रोते भूखे मारे तो बहुत दुखी होते हैं। और आज आपने क्या खाया? हमने आज खाना नहीं बनाया, बासी रोटी पड़ी थी वही लाए वही खाए, ना हमने होटल से खाए, अभी सुबह से 3 ही कुर्सी बिकी, हमें 150 रुपए मिले, हमें ऑटो के लिए के पैसे बचाने के लिए हमने कुछ नहीं खाया, बच्चे को पूछना बासी खाना खाया तेरी बुआ कुछ लाले में बेटा कराया कि पैसे नहीं बचेगी कुछ जाने के लिए, ऑटो वाला तो रोज ही मांगेगा, अगर नहीं देगा तो वो आ जाएगा, फिर रात में दिक्कत हो जाएगी, 6 बजते रात देर हो जाता है।
हेलो गाइस, मैं हूँ अवधेश। मैं हूँ आशले। ये तो हमने पहले भी कहा यार, ये थोड़ी ना करेंगे। ये और स्टार्टिंग से पहले ये करेंगे यार। चल ठीक है, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओके, हां, तो आज हम पिछली बार मेरे को भी कर लेंगे ना। तो बस नहीं नहीं लंबा तो कर लिया। ऐसे करूं, मेरे हाथ भी हाथ तेरे लंबे नहीं है। मैं ऑक्टोपस थोड़ी हूं, बैठ के करूंगी, वो खड़े होके करूंगी। अब तो कर यार, अब तो सही में लोग देखेंगे क्या कर रही है। ठीक है, तू अपने पे रखा, अब तो देख, अब नॉर्मल आ रहा है ना यार। दिमाग देखिए, ये बंदी ये स्कैम कर रही है लड़की सोशल मीडिया पे।